गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। Although she did not know कि मैं ही वो छोटा बच्चा था जो गदर 1 में भी था। On the spot। कई बार मैं इनको थ्रो ऑफ करने की कोशिश करता था कि मैं ऐसे करने वाला हूँ, तू रेडी रहा, फिर मैं करता नहीं था। अमीशा जी ने ही सजेस्ट किया कि सर आप अपने बेटे को ले लीजिए। वो आती थी हमारे साथ, खेलती थी घर पे जब भी उनके कॉस्ट्यूम ट्रायल या कुछ होते थे। घर जाके मैंने मम्मी को एकदम से बोला कि मम्मी शायद मैं ना मूवी के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। मम्मी बोलती शायद क्या होता है, अच्छे से सो जाना आज। I don't do any मस्ती. I don't do any मस्ती. Yeah, absolutely you don't. गदर 2 से गदर मचाने आज मेरे साथ आए हैं सकीना और तारा सिंह के बेटे जीते AKA उत्कर्ष शर्मा एंड उनके साथ आई है सिमरत कौर। हाय, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ गाइस। हाय, सो गदर 2 के लिए मैं तो एक्साइटेड हुई, आप लोग कितने एक्साइटेड है पहले मुझे ये जानना है। जी मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 11 अगस्त कुछ ही दिन रह गए हैं एंड मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो वन ऑफ दो सिंगल स्क्रीन्स में ही जाऊँगा, गेटी हो या कोई और मराठा मंदिर, वन ऑफ देम, एंड उसमें ऑडियंस के साथ देखूँगा। उनके रिएक्शंस के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। Simrat, what about you? I've been saying this. एक तो होता है कि you dream of something and it comes true, so you get happy about it. And in my case, I think I've never dreamt of this. So it's beyond, you know, being excited and happy. It's like I'm way too emotional right now, I would say. Like so many emotions mixed. इमोशनल होना तो बनता है फर्स्ट डेब्यू, और वो भी गदर जैसी आइकॉनिक। गदर 1 और गदर 2 के आइकॉनिक यू नो सीन्स के बारे में हम बात करेंगे, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। ऑब्वियसली इन्होंने तो काम ही किया है गदर 1 में भी, और आपने तो देखी होगी, सबने देखी है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोलूंगी और आपको बताना है कि आपके हिसाब से क्या है उसके अंदर फिट बैठता है। सो स्टार्ट विद उत्कर्ष, फेवरेट डायलॉग फ्रॉम गदर 1। फेवरेट डायलॉग फ्रॉम करके बताना, ऐसे नहीं बताना। अशरफ अली, तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, मगर हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सॉरी सनी सर। एंड फॉर मी आइकॉनिक तो बहुत सारे हैं, वही वाला कागज के टुकड़े पे। सो अगर कागज के टुकड़े पे मोहर नहीं लगेगी, अगर एक कागज के टुकड़े पे। अच्छा एक, अरे तारा सिंह के लिए एक थोड़ी ना है, कुछ भी। अच्छा, okay, वो भी सही है। अगर एक कागज के टुकड़े पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा। सो या दिस वाज द डायलॉग। कूल। फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम गदर 1। फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम गदर 1 इज डेफिनेटली उड़ जा काले कावां। थोड़ा सा गा के। उड़ जा काले कावां तेरे मुंह विच खंड पावां, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावां, बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठिया आंबिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा तो लंबिया लंबिया, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। Wow, that was amazing. मेरा और सुनने का मन कर रहा था seriously. He sings really well. It's, अरे नहीं, please उदित जी की आवाज में out है गाना YouTube पे, please देखिए। recreate किया है। तो आपका कौन सा favorite song? मैं निकला गड्डी लेके। I think since जब से मैंने गदर देखी है ये गाना मेरा like top most favorite रहा है। And I remember मैं एक्चुअली अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज देख रही थी पुरानी, तो उसमें 2021 में मैंने प्रॉपर इंस्टाग्राम स्टोरी बनाई थी इस गाने पर डांस करते हुए। Yeah. एंड तब मुझे कोई आइडिया नहीं था आई वुड यू नो एवर डू गदर 2। सो जब मैंने गदर 2 साइन कर ली, मैंने अनिल सर को पूछा कि सर इस मूवी में ये गाना है कि नहीं, फिर से सर ने बोला कुड़िया ये गाना है, तो मैंने बोला ओह ओके आई एम एक्साइटेड। इन्होंने नहीं गाया, इनको क्यों? अच्छा बहुत ज्यादा बेस लड़की है तो एडवांटेज मिलेगा, ये तो ना इंसान। अच्छा तो लड़के का गाना है ना, बट यू हैव नहीं तो पसंदीदा तो तुम्हारा है ना, तुम्हें गाना। ओके सिंग विद मी। मैं निकला ओ गड्डी लेके हो रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उते दिल छोड़ आया। बस मैं ज्यादा नहीं गा सकती हूँ। That was so cute guys. So favorite emotion from Gadar 1? From Gadar 1 मेरा favorite यही रहेगा जब तारा सकीना को लेने आते हैं, उनका जब निकाह हो रहा है उस मोमेंट पे वो जो इमोशन है वो जब सब तोड़ फोड़ के जब वो आती हैं वहाँ पे बच्चे को गले लगाती हैं, हस्बैंड से मिलती हैं और दुनिया के सामने वो पूरा ड्रामा और वो पूरी चीज़ बातें और डायलॉग्स और ये सब होते हैं, वो वन ऑफ माय फेवरेट इमोशंस है उस फिल्म का। ओके, व्हाट अबाउट यू सिमरन? फॉर मी जब तारा सिंह उसको सिंगिंग का बहुत शौक रहता है तो वो जब अमीशा जी के पास जाता है और वो प्रिंसिपल का रोल कर रही रहती है वो टाइम पे, और वो जाके बोलता है कि मुझे इस जलसे में गाना गाना है, तो वो जो एक प्रॉपर वहाँ पर जो एक मोशन क्रिएट होता है फन वाला, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम गदर 1? फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम गदर 1, देखिए ऑब्वियसली तारा सिंह इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर एंड बट अगर तारा सिंह जी और अमीशा जी का जो किरदार था, सकीना और मेरा किरदार, इन सबको एक साइड रखें तो उनके अलावा ऑब्वियसली अमरीश जी का जो किरदार है अशरफ अली का, वो आइकॉनिक है। तो टोटली एग्री जी। फॉर मी ऑब्वियसली आफ्टर तारा सिंह एंड सकीना इट वुड बी दरमियान वाज लाइक माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर। या तो ऐसी आइकॉनिक फिल्म में काम करना और साथ में आइकॉनिक कैरेक्टर्स, एक्टर्स, वो कैसा फील होता है जब आप सेट पर रहते हैं? उस टाइम कैसी फीलिंग आती है आपको? फॉर मी आई थिंक इट्स ऑलवेज बीन अ फैन मोमेंट अराउंड द सेट। मैं एज अ फैन ही घूमती रहती थी और हर जगह देखती थी ओ वाओ ओ वाओ, एंड जब सनी सर को भी देखा था कि इट वाज लाइक ओ माय गॉड ओ वाओ, सो मोर देन एक्टर आई थिंक फैन मोमेंट ज़्यादा हो रहा था मेरे साथ। ऑल्दो शी डिड नॉट नो कि मैं ही वो छोटा बच्चा था जो गदर 1 में भी था। इसको बहुत बाद में पता लगा मुझे, हाँ ये आइडिया नहीं था। सो आई वाज शॉक्ड, आई एम लाइक ओ माय गॉड, ये मतलब ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ट्रू हो गया, बहुत रियल हो गया अब ये सब। तो मेरे लिए तो ऐसा था, मैं क्योंकि गदर 1 के सेट पे भी था और यहाँ पे भी था, तो पहले दिन की जब शूटिंग थी सनी सर एंड अमीशा जी का एक सीन था, तो वो देख के मुझे लगा कि मैं तो वापस वही बच्चा बन गया हूँ और मैं उनको वैसे ही देख रहा हूँ जैसे मैं तब देखा करता था। एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेक्नीशियंस भी सेम हैं, तो मुझे लगा मैं वही माहौल में वापस आ गया हूँ। तो एक तरीके से डेजावू सा आप कह लीजिए, वैसी फीलिंग्स थी मेरी पहले दिन सेट पे। मुझे ये जानना है कि आप लोग काफ़ी यंग हैं और नो बॉलीवुड इज़ लाइक सबकी ड्रीम होती है कि यहाँ पर हम काम करें, तो आप लोगों को ये रोल कैसे अप्रोच हुआ या कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे आप लोग सेट तक पहुँचे? तो एक्चुअली गदर 1 से लेके गदर 2 तक दोनों टाइम ही मेरे साथ कोइंसिडेंस हुआ। गदर 1 में तो क्या था कि तारा सिंह और सकीना के काफ़ी पोर्शन शूट हो चुके थे एंड अब बच्चे के साथ जो फैमिली मोमेंट्स है वो सब सीन्स का वक्त था और बच्चे का काफ़ी डिफ़िकल्ट शूट भी था, बड़े गर्मी में शूटिंग होनी थी, स्कूल की काफ़ी लीव्स चाहिए थी एंड स्टंट्स भी थे वो सब, ट्रेन पे चलना, आग के सामने दौड़ना, भागना, बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें थी जो आसानी से कोई पेरेंट 5 ईयर ओल्ड 4 ईयर ओल्ड किड को नहीं सौंपेगा। तो शूटिंग सिर पे थी तो अमीशा जी ने ही सजेस्ट किया कि सर आप अपने बेटे को ले लीजिए। वो आती थी हमारे साथ, खेलती थी घर पे जब भी उनके कॉस्ट्यूम ट्रायल या कुछ होते थे, तो उन्होंने मुझे ही सजेस्ट किया। तो पापा ने सख्त मना कर दिया कि नहीं इनको पढ़ने दो, मैं अपने बच्चों को फिल्म वगैरह से अभी दूर रखना चाहता हूँ। तो बट क्या मजबूरी ऐसी थी, ईपी ने भी सजेस्ट किया कि सर वरना दूसरे बाहर के पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे ये सब सीन्स करने में, तो आप उत्कर्ष को ही ले लीजिए। एंड तो पापा ने मुझसे एकदम प्रॉपर एज अ डायरेक्टर एक्टर से पूछता है वैसे पूछा कि बेटा तुम एक्टिंग करोगे, मतलब उतनी रिस्पेक्ट दी उन्होंने, ये नहीं कि उठा के ले गए सीधा। बट मेरे भी नखरे 100, पैदाइशी एक्टर, तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करनी, मेरे को क्रिकेटर बनना है, मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है मुझे ये सब नहीं करना। तो बट फिर मैंने उनका जो रिएक्शन देखा जहाँ पे वो एक उनके चेहरे पे एक चिंता थी कि अब क्या करेंगे वो, तो फिर मैंने उनका वो देख के कि ही सीम्स वरीड, एक ट्रबल है, तो मैंने पता नहीं हाउ वाज आई दैट इमोशनली इंटेलिजेंट एट दैट टाइम, मैंने कह दिया नहीं पापा आपको ज़रूरत है तो मैं करूँगा। एंड वहाँ से कहानी शुरू हुई और 3 रातें कंटिन्यूस हमें शूटिंग करवाई फिर ट्रेन पे दौड़वाया, फिर आग के सामने कूदवाया, बहुत सारी चीज़ें की। एंड फिर गदर 2 का तो हमारा कोई वो ही नहीं था, प्लान ही नहीं था एक्चुअली लॉकडाउन तक तो। एंड फिर एक दिन शक्तिमान जी जो गदर 1 के भी राइटर हैं वो आते हैं नवरात्रि के टाइम पे और कहानी सुनाते हैं पापा को। एक पापा कुछ और प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, पापा ने वो प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया और उन्होंने तुरंत कह दिया कि अब यही बनाएंगे गदर 2, क्योंकि कहानी उनको वही तराजू की वही लेवल की लगी जो गदर 1 की कहानी थी। उन्होंने मुझे सुनाया मैं भी कुछ और प्रोजेक्ट्स में व्यस्त था, तो मैंने कहा कि नहीं यही फिल्म करूँगा अभी तो मैं, एंड सनी सर को सुनाया, सनी सर को भी कहानी इंस्टेंटली जम गई, एंड फिर जी को सुनाया। एक दिन में पूरा प्रोजेक्ट जो है ग्रीन लाइट हो गया, बिकॉज कहानी का जो बेसिकली क्रक्स था वो इतना स्ट्रॉन्ग है गदर 2 का कि इसलिए चीज़ें इतनी फास्ट हो गई। वो इतना अनसर्टेन टाइम था लॉकडाउन का कि क्या सिनेमा चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो फिल्म के किरदार भी जो हैं रियल लाइफ में भी उतनी ही उम्र बढ़ी है जितने जो रियलिटी में उनकी बढ़ी है। जो कैरेक्टर्स हैं उनकी भी एज उतनी बढ़ी है। 47 to 55 की कहानी थी, अब वो 71 में आ गई, तो वो भी इंडिया पाकिस्तान के लिए एक बहुत मॉन्यूमेंटल टाइम था, बहुत डेंजरस सिचुएशंस थी, और ये कहानी जो है ये सिर्फ इन्हीं किरदारों के लाइफ में घट सकती थी। तो इसीलिए ये ही सोचा गया कि जो हम लोग क्योंकि इतना ऑथेंटिक बनाए थे गदर 1 को, तो वही ऑथेंटिसिटी इसमें बरकरार रहनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा हो सका उतनी ही ओरिजिनल कास्ट को रिटेन किया गया, ओरिजिनल क्रू को रिटेन किया गया, और ओरिजिनल सिंगर्स तक को रिटेन किया गया। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, एंड बस वहाँ से एक क्यूरियोसिटी भी थी कि भाई अब बच्चा बड़ा हो गया, इसका कैरेक्टर क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड बस इट्स अ फुल फैमिली फिल्म, फुल फैमिली एंटरटेनर विथ लॉट्स ऑफ इमोशन, लॉट्स ऑफ ड्रामा एंड एवरीथिंग दैट यू सॉ इन गदर 1 एज वेल। ओके, आई एम तो सुपर एक्साइटेड फॉर गदर 2। Simrat, I want to know your side now. So I first got my call from Mukesh Shabra sir's team for the audition, and audition बना के भेजी घर से। उसके बाद में उन्होंने मुझे कह दिया कि I have to go Palampur for the look test, जहाँ पर ये लोग शूट ऑलरेडी कर रहे थे मूवी की। वहाँ पर भी गई, वहाँ पर भी ऑडिशन दिए। फिर I came back to Mumbai। बॉम्बे आने के बाद I think 20 days तक मुझे लाइक मूवी के साइड से कोई रिप्लाई नहीं आया था, if they have liked my work or something। तो फिर उसके बाद में देवर लाइक यू कैन जस्ट कम टू द ऑफिस, मुंबई ऑफिस, एंड आके फिर से ऑडिशन दो। लाइक ओके फाइन। एंड देन उसके बाद में 4-5 लुक टेस्ट हुए, एंड देन देयर वाज रूमर गोइंग ऑन इन द ऑफिस के दे आर लुकिंग फॉर मोर गर्ल्स। सो आई वाज रियली अपसेट बिकॉज 2 महीने से मैं ऑडिशन दे रही हूँ। तो मैंने अनिल सर से पूछा कि सर आप कोई और भी लड़की देख रहे हैं क्या अभी? तो उन्होंने मिठाई खिलाई मुझे, बोला कि यू आर सिलेक्टेड, जाओ घर जाओ, आज अच्छे से सो जाना। आई एम लाइक इतनी बड़ी न्यूज़ कोई ऐसे थोड़ी ना देता है। मतलब मैं अच्छे से ड्रेस्ड भी नहीं थी, बस ऐसे मेरी फ़ोटो ले ली और मिठाई खिला दी और बोले जाओ। तो मुझे घर जाके मैंने मम्मी को एकदम से बोला कि मम्मी शायद मैं ना मूवी के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। मम्मी बोलती शायद क्या होता है? मैंने बोला पता नहीं, मैं एकदम से बैठी थी, मुझे उन्होंने मिठाई खिला दी और बोले कि जाओ अच्छे से सो जाना आज। तो वो बहुत आई वॉज वेरी नम्ब। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हैव टू बी हैप्पी, सैड, एक्साइटेड। 3 दिन बाद जब मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया, आई थिंक दैट वाज द मोमेंट आई गॉट रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट। सो दैट्स हाउ आई गॉट गदर 2। एंड फर्स्ट डे ऑन सेट जब आप गए तब कैसा लग रहा था आपको? लाइक फर्स्ट डे भी मैं ज़्यादा एक्साइटेड ऑब्वियसली अंदर से तो थी, बट मैं ऐसा रिएक्ट नहीं कर रही थी बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू जिंक्स इट कि नज़र ना लग जाए। और मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मैं ये मूवी के लिए शूट कर रही हूँ। सो फर्स्ट डे ऑन सेट वॉज लाइक ओके, नर्वस थी मैं, एंड बहुत ज़्यादा एक फ़ैन मोमेंट था मेरे लिए हर चीज़ के लिए, क्योंकि मैं गदर के सेट्स पे हूँ। सो इतनी आइकॉनिक मूवी के लिए आप उधर शूट करने आए, तो मोर देन लाइक एज एन एक्टर मैं एज अ फ़ैन बिहेव कर रही थी। ओ यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये डायरेक्टर है। सो या इट वाज फन एक्सपीरियंस थ्रू आउट। तो उत्कर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपके ऑन स्क्रीन फादर, आपके ऑफ स्क्रीन फादर दोनों वहाँ पर थे, तो क्या डर का माहौल था आपके पास? जी, डर का माहौल वैसे होना तो चाहिए, बट दोनों क्या है, दोनों इतने एक्चुअली क्रिएटिव सोल्स हैं। तो जब आप क्रिएटिव लोगों के साथ काम करते हैं तो वो ऑन कैमरा या पब्लिक आई में डिफरेंट होते हैं, बट ऑफ कैमरा बिहाइंड द सीन्स वो अलग होते हैं। वो बिलीव करते हैं कि यूनिटी में, एंड सबके आइडियाज़ लेते हैं, सबकी चीज़ें लेते हैं, बड़ा छोटे में कोई इसमें फ़र्क नहीं करते। एंड तो क्या ऐसे ही मैं कहूँगा एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई अगर द्रोणाचार्य और अर्जुन डिस्कशन कर रहे हैं तो आप एकलव्य बन के पीछे से सुनते रहिए, आप सब सीखते जाएंगे। तो दैट्स व्हाट आई ट्राइड। करेक्ट। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि डांट पड़ रही हो किसी चीज़ के लिए और दोनों फादर्स शुरू हो गए हो? कि सनी जी तो ऑब्वियसली आपको गाइड करते ही होंगे। नहीं, डांट तो नहीं पड़ी, मुझे लगता है ठीक ठाक काम कर लेता हूँ तो डांट नहीं पड़ी। बट सनी सर से डेफिनेटली एक चीज़ मैंने सीखी कि वो जब कोई भी सीन होता है, वो एक्चुअली इतने बड़े एक्शन स्टार हैं तो कई बार लोग उनके एक्टिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। बट मैं दुनिया को बताना चाहूँगा कि जब उनके हाथ में स्क्रिप्ट आती है, वो न्यू सीन आता है जो उन्हें करना है, तो वो एक दो दिन का टाइम लेते हैं, वो उस सेट पे घूमते हैं, अपने आप में अपने विचारों में खोए रहते हैं एंड उस सीन को पूरा कंस्ट्रक्ट करते हैं। हर कैरेक्टर जो सीन में है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, वो क्या बिहेव कर रहा होगा, वो खुद भी इंटरप्रेट करते हैं उसे एंड डायरेक्टर और राइटर के साथ भी डिस्कस करते हैं। एंड फिर जब सीन हम करते हैं तो बाकी एक्टर्स को भी अपने आइडिया शेयर करते हैं कि ऐसे करें, ऐसे करें, और दूसरे एक्टर्स के आइडियाज़ भी लेते हैं। ही इज़ सच अ कोलैबोरेटिव एंड टीम कोलैबोरेटिव एक्टर एंड सच अ टीम प्लेयर कि आप उनके साथ जब काम करें ना, तो आपका काम का जो सीमा है उसे आगे ही बढ़नी है। आपकी सीलिंग ऑफ वर्क हैज़ विल राइज हायर वर्किंग विद हिम। सो डांट की तो कोई गुंजाइश नहीं थी, बट उनसे प्रेम बहुत मिला। ओके, प्रेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक। तो सिमरत, जैसे कि अभी उत्कर्ष ने बताया हमें कि ऐसा कुछ नहीं, क्या आपको कुछ याद है कि कुछ ऐसा चल रहा हो कि उत्कर्ष को डांट पड़ी हो या उत्कर्ष से, यू नो, बिकॉज आई फील कि ये, जहाँ तक मैंने इनके और भी इंटरव्यूज़ देखे हैं, काफ़ी यू नो मिस्टीरियस है उत्कर्ष। नहीं है, ज़रा नहीं है। ही इज़ वेरी क्वाइट, इज़ वेरी काम, इज़ वेरी कॉन्टेंट, तो वैसा है। डांट मुझे ज़रूर पड़ी है, इसका तो मुझे पता है। आई डोंट डू एनी मस्ती, आई डोंट डू एनी मस्ती, आई डोंट डू एनी मस्ती, एब्सोल्युटली यू डोंट डू, प्लीज़। सो डांट मुझे पड़ी है एंड अनिल सर कई बार डांट भी देते थे, तो कोई नहीं, मुझे तो मज़ा ही आती थी बिकॉज मैं अपनी मस्तियाँ करती रहती हूँ। तो उनको भी पता था कि यार इसको डांट के भी कोई मीनिंग नहीं है अब इस पॉइंट पे, ये मस्ती करती रहती। तो या बट इट वाज फन, उनकी डांट में भी मज़ा आ जाती थी। तो आप लोग की बॉन्डिंग कैसी थी ऑन सेट? अच्छी थी डेफिनेटली। एंड इनफैक्ट हम एक्चुअली हम एक गेम बहुत ज़्यादा करते थे। जब हमारे सीन्स होते थे, हम दोनों एक दूसरे को बोलते थे हम स्पॉन्टेनियस कर लेंगे, जो भी हम ऑब्वियसली हमारे जो डायलॉग्स रहते थे वो एक बार करने के बाद हम दोनों एक दूसरे को चैलेंज बहुत करते थे कि जैसे एक्शन होगा कि विल डू समथिंग, विल क्रिएट समथिंग ऑन द स्पॉट। कई बार मैं इनको थ्रो ऑफ करने की कोशिश करता था कि मैं ऐसे करने वाला हूँ, तू रेडी रहा, फिर मैं करता नहीं था। हाँ, वो वेट कर रही है या नहीं, एंड सो इट क्रिएट्स अ रियल रिएक्शन फॉर बोथ ऑफ अस, तो वी बोथ हैव टू बी ऑन टोज। तो काफ़ी मज़ा आया इनके साथ काम करने में एंड इनकी कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी है, तो दैट वाज अ सरप्राइज। सो या इट वाज फन। सो सिमरत, जैसे कि आप साउथ इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आए हो, तो आपको वहाँ से यहाँ में कोई डिफरेंस लग रहा है? सी, एक्टिंग इज सेम ऑल ओवर द इंडस्ट्री, लेट इट बी पंजाबी, तेलुगू और यो। द ओनली डिफरेंस वाज द लैंग्वेज आई वुड से। अदर देन दैट आपका एक्शन, कैमरा, रोलिंग सब सेम है एंड इट जस्ट गॉट लिटिल ईजियर ओवर हियर बिकॉज आई अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। हिंदी मुझे समझ में आती है, मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाती हूँ। वहाँ पर एक लैंग्वेज का बैरियर ज़रूर था मेरे लिए, बट देन अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी डिफरेंस इन इंडस्ट्रीज। ओके, साउंड्स परफेक्ट। सो गदर 2 के लिए फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? गदर 2 के लिए तो क्या ही मैसेज देना है, लोग ऑलरेडी एक्साइटेड हैं। सो 11 अगस्त को गदर 2 आ रही है, जाओ जाके देखो, एन्जॉय इट, तालियाँ सीटियाँ सब होनी चाहिए। बस गदर 2 11 अगस्त को, एंड जितना एक्साइटेड मैं हूँ उतने एक्साइटेड आप भी हैं। साथ में ही सिनेमा घरों में देखेंगे, सीटियाँ गड्डी लेके निकल जाना बस। इस इंडिपेंडेंस वीकेंड पे धूम धमाल सब मचा देंगे।